नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत क्लास 7th की ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का क्वेश्चन नंबर 13। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, एक विषम बाहु त्रिभुज बनाओ जिसका आधार ए बी रेखा के समान और आधार कोण ए के बराबर तथा भुजा बी सी डी है। तो आइए अब देख लेते हैं इस एंगल को विस्तार से। सबसे पहले हम एक आधार रेखा ले लेंगे, आधार ए बी जो हमें दिया गया है। तो इस तरह से मैं एक आधार रेखा ले लूँगी ए और स्मॉल बी, और इसके साथ हमें दिया गया है एक आधार कोण दिया गया है। तो इसलिए मैं एक रेखा लेके और इस तरह से अपनी मर्जी से स्केल से एक आधार कोण बना लूँगी इस तरह से, और यहाँ पे अपनी मर्जी से हमने प्रकार खोल के इस तरह से मैंने एक चाप लगा लेनी है। आप छोटी बड़ी ज़्यादा कैसे भी कर सकते हो। इस तरह से मैंने चाप लगा ली और इसको नाम दे दिया ए। अब हम इसके साथ हमें एक भुजा दी गई है बी सी, तो इसका नाम बी और कैपिटल सी। ये तीन चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी गई है और हमें एक विषम बाहु त्रिभुज बनाना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ए बी रेखा आधार रेखा जो हमें दी गई है उसी के बराबर हम एक डार्क रेखा ले लेंगे, मतलब उतनी ही होनी चाहिए बट वो थोड़ी सी इसे डार्क होनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने वो ले ली है और इसको नाम दे दिया मैंने कैपिटल ए और कैपिटल बी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आधार ए है, इस आधार ए को मतलब जो आधार कोण हमने जो यहाँ पे बनाया है, इस आधार कोण को हम बिंदु ए पे यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। हमने प्रकार उतनी ही खोलनी है जितनी हमने यहाँ से चाप लगाई थी, उतनी ही प्रकार खोल के हमने यहाँ बिंदु ए से भी चाप लगा देनी है इस तरह से। और यहाँ से जितना इसका डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस इसका यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक का जितना डिस्टेंस है, पहले हमने इतनी इतनी प्रकार खोली फिर चाप लगाई, फिर यहाँ वाला जो डिस्टेंस है जितना इसका यहाँ वाला, फिर वो यहाँ से हमने कट कर देना है इस तरह से। और जहाँ पे ये दोनों चापें कट रही है ये वाला बिंदु, तो ये बिंदु आपका के आ जाएगा। आप इसमें को कुछ भी नाम दे सकते हैं और इसको मैं इस के बिंदु को ए के साथ मिलाते मैं इसको आगे बढ़ा दूँगी इस तरह से, और ये वाली लाइन आपकी डार्क लाइन आएगी, डार्क लाइन। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे नाम दे दिया, ये है आधार कोण। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये भुजा दी गई है बी सी, जो भुजा बी सी हमें दी गई है, अब मैं उसके बराबर अब मैं प्रकार खोलूँगी बी सी के बराबर और यहाँ बी पे रखूँगी। बी पे रख दिया मैंने, बी सी के बराबर मैंने प्रकार खोली है और बी पे रख दी है, और मैं यहाँ से एक चाप लगा दूँगी। और जहाँ पे ये चापें आपस में कट रही है, यहाँ पे जिस बिंदु पे कट रही है वो बिंदु हमारा सी आ जाएगा। अब इस सी बिंदु को मैं बिंदु बी के साथ मिला लूँगी इस तरह से, और ये वाली लाइन भी आपकी डार्क आ जाएगी। इस तरह से हमारा ये वाला एंगल बन जाएगा जो एक विषम बाहु त्रिभुज है,